नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट, भार्गव का भ्रम जाल। जी, राजनीतिक पंडित कहते हैं कि गोपाल भार्गव की राजनीति को समझना नामुमकिन है। उनके हर बयान के पीछे बड़ी राजनीतिक चाल होती है। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के बयान से कौन अनजान है। आजकल गोपाल भार्गव एक के बाद एक विवादित बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार की बयानबाजी में बहुत फर्क है। गोपाल भार्गव पहले जब बयान देते थे उसमें उनके विधानसभा क्षेत्र का कम जिक्र होता था, लेकिन इस बार वे चुनाव को लेकर एक के बाद एक बयान दिए चले जा रहे हैं। गोपाल भार्गव के विरोधी इस बार ऐसी मुखालफत कर रहे हैं जो सालों से नहीं की थी। ज़रा इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मंत्री गोपाल भार्गव के बयानों के मायने और मतलब दरअसल हैं क्या। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उनसे कहा गया कि मध्य प्रदेश में अपना नाम जुड़वा लो, एक आदमी है गोपाल भार्गव, उसके खिलाफ चुनाव लड़ना है। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप बड़ी पार्टी के नेता हैं, आप लड़ लो चुनाव। उन्होंने मना कर दिया कि हिंदुस्तान का कोई भी ले आना यहाँ पर, 30 मार का ले आना, कोई बहादुर ले आना, यहाँ की जनता उसको वोटों के गड्ढे में डाल के उसको पूर के उसके लिए दफन कर देगी। अभी हराने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ है, अभी हराने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ है। तो गोपाल भार्गव कहते हैं कि कमलनाथ से लेकर राहुल गांधी तक उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से घबराते हैं, और आगे बढ़कर गोपाल भार्गव कहते हैं कि कोई भी 30 मार्खा ले आओ उसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। मतलब 30 मार्खा चुनाव हार जाएंगे, तो भला गोपाल भार्गव को कौन समझाए कि देश में अब 30 मार्खा बचे नहीं हैं, क्योंकि अब लोकतंत्र है और कानून का राज चलता है। यहाँ 30 मार्खा तो अब जनता ही है जिसने अच्छे अच्छों को चुनाव में पटखनी दी है। और रही बात राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की, तो जो लोग राजनीतिक समझ रखते हैं उन्हें यह मालूम है कि भला राहुल गांधी को क्या ज़रूरत है कि वे गोपाल भार्गव के खिलाफ रैली आकर चुनाव लड़ें, क्योंकि वे तो अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के अघोषित दावेदार हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्री गोपाल भार्गव को इस तरह के बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो गुजरात चुनाव को याद कर लीजिए, जब गुजरात चुनाव याद आएगा तो हार्दिक पटेल भी याद आ ही जाएंगे। मतलब पटेल सरनेम, इसी पटेल सरनेम के मतदाताओं की रैली विधानसभा में कोई कमी नहीं है। और हार्दिक मध्य प्रदेश आते हैं तो रैली करने के लिए रैली के गढ़ाकोटा को ही चुनते हैं। दरअसल गोपाल भार्गव के बयानों का मतलब ये है कि जो कांग्रेसी पटेल सरनेम और हार्दिक पटेल के आसरे गोपाल भार्गव को घेरने की कोशिश में लगे हैं, इसीलिए गोपाल भार्गव विरोधियों से ये कहना चाहते हैं कि जनता उनके साथ है, और जनता से ये कहना चाहते हैं कि विरोधी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए गोपाल भार्गव ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज़। मन में आपके सवाल घूम रहा होगा कि गोपाल भार्गव तो 1,25,000 वोटों से चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं, तो रैली विधानसभा के कांग्रेसी या उनके विरोधियों का गोपाल भार्गव से क्या मुकाबला करना। रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस बार का चुनाव पहले के चुनावों से क्यों अलग हो सकता है। ये दुनिया यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते, रिपोर्ट देख लीजिए। तो जिस रैली विधानसभा के गढ़ाकोटा में जय गोपाल के नारे के सिवा कोई दूसरी गूंज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हार्दिक पटेल एमपी में हुंकार रैली करने के लिए रैली होते हुए गढ़ाकोटा पहुंचते हैं और ठीक ठाक भीड़ भी जुटा लेते हैं। रैली का असर यह हुआ कि पिछले दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोपाल भार्गव के खिलाफ नारे लगा दिए। इस तरह के नारे गढ़ाकोटा में कभी किसी ने सुने नहीं। पहले भाजपा में रहे अब कांग्रेस में आए कमलेश साहू गोपाल भार्गव के खिलाफ ताल ठोकते हैं, तो जीवन पटेल और ज्योति पटेल भी जातिवाद के नाम पर लगातार जनसंपर्क बनाए हैं, क्योंकि हार्दिक पटेल फैक्टर जब से चला है पटेल सरनेम को एकजुट करने की कवायद पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। पटेल सरनेम मतलब कुर्मी कुशवा, इन समाजों पर कांग्रेस का फोकस है, इसीलिए रैली विधानसभा के कांग्रेसी इन समाजों के दम पर मंत्री गोपाल भार्गव का विरोध कर रहे हैं। गोपाल भार्गव इस बात को बखूबी जानते हैं कि विरोध छोटा हो या बड़ा पब्लिक डोमेन में उनके खिलाफ परसेप्शन पैदा होगा। तो क्या इस हालत में गोपाल भार्गव को चुप बैठ जाना चाहिए? तो जवाब होगा नहीं।
इसीलिए इन बयानों को आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास या फिर अहंकार के पैरामीटर में लेकर नहीं नाप सकते। गोपाल भार्गव के बयानों को राजनीतिक चश्मे से ही देखा जा सकता है। बयानों के आश्रय मंत्री गोपाल भार्गव विरोधियों पर बिना उनका नाम लिए हमला कर रहे हैं और कमलनाथ से लेकर राहुल गांधी तक का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये संदेश जनता में जाना चाहिए कि गुरु तो गुरु हैं, वे तो बड़े बड़ों को चुनाव हरा देंगे। तो ये विरोध करने वाले कांग्रेसी किस खेत की मूली हैं? और अगर गोपाल भार्गव के बयानों का दूसरा मतलब निकाला जाए कि दिग्गज कांग्रेसियों को चुनौती दी जाए ताकि कांग्रेस में खलबली मचे, कांग्रेस वो गलती कर जाए जो गोपाल भार्गव चाहते हैं, मतलब ये कि प्रदेश कांग्रेस में से दूसरी पंक्ति का नेता रैली आकर चुनाव लड़ जाए, जिसको रैली की जनता बाहरी प्रत्याशी बताकर चुनाव हरा दे। गोपाल भार्गव इसलिए और बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, पटेल पटेल भाई भाई वाला फैक्टर क्षेत्र में कांग्रेस की एकजुटता और विरोधी नारे लगातार गूंजते रहे तो चुनाव में पेंच फंस सकता है। इसीलिए कांग्रेसियों के मनोबल को तोड़ना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। अकेला चला था जाने बे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इन चार पांच कांग्रेसियों को नारे लगाते हुए देखकर शायद गोपाल भार्गव को ये डर जरूर सता रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कारवां बन ही जाए। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यही वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़ STVN इंडिया, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टनटनाइए ताकि हमारा और आपका रास्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ।